आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे मथुरा के अंदर, और उस समय वो श्री कृष्ण श्री विष्णु जी के पुजारी थे। शंकर भगवान के भी साथ साथ हम जैसे हिंदू धर्म में पूजा करते ऐसे वो कर रहे थे। एकादशी का व्रत रखते थे, तीर्थों पर विश्वास करते थे, व्रत भी बहुत करते थे, धर्म भंडारे भी करते थे। उनको परमात्मा मथुरा में मिले, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया, और उसके बाद फिर भी उनकी समझ में नहीं आई तो फिर उनको सचखंड अपने सतलोक जहाँ भगवान निवास करते हैं, जहाँ हम सभी रहा करते थे, हम अपनी गलती से यहाँ आए हैं, उस स्थान पर लेकर गए। अब उसके विषय में धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया है, जैसे धर्मदास जी बार बार ज़्यादा विवाद करते थे, ज्ञान को समझने में देरी कर देते थे, क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है, प्रथम बार जब इस ज्ञान को सुनते हो तो प्रत्येक को ऐसा लगता है जैसे ये कुछ अटपटासा है और ठीक सा नहीं लगता। तो धर्मदास जी ने ऐसे कई बार बकवाद करी थी, 5-6 बार, और परमात्मा उनको ज्ञान बताते थे, अंतर्ध्यान हो जाते थे, वो फिर रोते थे, तड़पते थे, फिर मिलते थे, फिर ज्ञान सुनाते थे, फिर कहीं ना कहीं वो पुराना पेंट फिर से गड़बड़ कर जाता था, पुराना रंग, तो परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाह तैयार करने थे आज इस बिचली पीठी के लिए, इसलिए उनके साथ इतना झंझट किया, इतना खड़ा किया, और फिर सतलोक लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा, फिर वो निश्चिंत और दृढ़ हो गए कि अब कोई संसार में भगवान दूसरा नहीं रहे। तो उन्होंने क्या बताया है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, तो वहां जाकर के उन्होंने जो वो सुख देखा तो उन्होंने कहा कि भगवान अब मुझे वापस मत भेजो, मुझे यहीं रख लो। तब परमेश्वर ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं रख सकते, आप नीचे जाइए, और पहले आप भक्ति से परिपूर्ण थे, भक्ति कीजिए, मैं ऐसा मंत्र दूंगा धर्मदास तुझे, ऐसा सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा, कि आप शीघ्र ही भक्ति से धनी हो जाओगे और यहां आ जाओगे। तब धर्मदास जी वापस आए, और जब परमात्मा सतलोक गमन कर गए, अपने आत्माओं कई समस्याएं ऐसी आती हैं, क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल भूल दूर हो चुके हैं, हमें ज्ञान नहीं रहा, और जिस कारण से हम छोटी छोटी बातों पर विवाद बनाकर सच से दूर हो जाते हैं। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट अवतार हैं ये, 9 चित्तवें बुद्धिनाश और खलक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा के असंग ब्रह्मांड हैं, और परमात्मा जब चाहे जिस क्षण में पृथ्वी पर आ जाता है और 1 सेकंड में अपने लोक में होता है। इसके विषय में आदरणीय नानक साहब जी कहते हैं कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तल जावे, और ताकि संगत नानक रेंदा क्यों कर मोंढा पावे। नानक साहब जी ने कहा कि खाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार ये धानक रूप रहा करता। तो उसके विषय में ये कहा है कि वो परमात्मा ऐसा है, 1 सेकंड में तो मेरे पास बैठा दिखा,
दूसरी क्षण में मैं देखता हूँ सतलोक जा चुके होते हैं। तो ऐसे कबीर परमेश्वर जी जब चाहे यहाँ आ जाते हैं, सहसरी रहते सहसरी चले जाते। वैसे ये 21 ब्रह्मांड काल की जेल है और इस जेल में कैदी ही आ सकते हैं, लेकिन राजा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो किसी जेल में कभी जा सकता है और उन कैदियों को सुविधाएं देने के लिए। तो वो परमात्मा हमारे राजा हैं, हमारे मालिक हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो यहां धर्मदास जी ने क्या बताया है, जब परमात्मा अंतर ध्यान हुए, धर्मदास जी क्या पुकार रहे हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, कटण यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, अमृत भोजन मारे सतगुरु कर हैं, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, दोनों दीन का झगड़ा छेड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छेड़ गया, वहां टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर।